जय बापू जी, जय बापू जी, जय हाँ जी। परवीन आंटी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे का थैंक यू जी। जन्मदिन है। बापू जी, महाराज जी उसको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य बख्शे, अपने चरणों की भक्ति दे। चलो, ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवत गीता अथाद्वितीयोऽध्यायः, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, मात पिता कुल तारायण, हरि हरि, मात पिता कुल तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भोले बाके बिहारी लाल की जय, जय सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सात संगत जी, कल हमने श्लोक 25, 26, 27 और 28 तक श्रवण किए थे, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए जिससे बचा ना जा सके, ऐसे कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है, और फिर उसे अपने एक कर्म अवधि के बाद समाप्त होने पर मृत्यु को भी प्राप्त होता है, और ये जन्म मरण दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसी बातों से, स्वजनों की मृत्यु से कभी भी मनुष्य को भयभीत या शोकाकुल नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने में मनुष्य ऐसी ही चीजों के बारे में शोक करता है जिनका होना निश्चित है, जो प्रारब्ध में लिखा है उसका होना तो तय ही है, इसलिए फिर उनके लिए शोक करके अपने अपने आप को कमजोर क्यों करना। अब अगला श्लोक, भगवान आगे क्या कह रहे हैं, श्लोक क्रमांक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वती तथैव चान्यः, आश्चर्य वचने मन्यशृणोति श्रुत्वाप्ययेनं वेदना वेदना चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं कि कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। कहने का भाव है कि विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा एक इंच स्थान में ही लाखों करोड़ों असंख्य सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के अंदर भी एक बहुत ही सूक्ष्म आत्मा हमेशा ही निश्चित रूप से विद्यमान रहती है, और यही अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इस युग में अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है, अतः लोग आत्मा को इसकी संरचना और इसके विवरण से अधिक के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। कुछ लोग जो महात्मा पुरुष होते हैं इस आत्मा को बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं, कुछ महात्मा पुरुष इसे ही आश्चर्य की तरह उसका गुणगान कर उसके बारे में बताते हैं,
कुछ महापुरुष की आपको बहुत ही आश्चर्य से सुनते हैं, किंतु हमारे जैसे अनेकों ऐसे होते हैं जो इसके आत्मा के विषय में जानकर भी सुनकर भी कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु में भी उस सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर भी एक सूक्ष्म आत्मा होती है। ये हमने अभी पीछे सभी चीज हमने ये अनुभव भी की थी जब कोविड आया था। कोविड में एक छोटा सा वायरस था जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते थे, और वो ही उसने इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि जैसे ही उसको कोई लिविंग सेल मिला उसके अंदर वो अपना मल्टीपल करता चला गया और इतनी बड़ी हमारी मनुष्य देह भी समाप्त कर गया। तो कहने का भाव है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में अगर छोटे से छोटा कोई कण भी है, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक संक्षिप्त आत्मा है, बहुत छोटी आत्मा है। जितने भी विषाणु है, कीटाणु है, जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उनको कोई ना कोई एक ऊर्जा, कोई ना कोई एक ताकत चला रही है जिसको आत्मा कहा गया है। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। कहने का भाव है कि हम अपने मोह माया में, इंद्रियों में इतना फंसे हुए हैं कि उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। हमें ये करना है, वो करना है, पैसा करना है, मकान बनाना है, ये इन्हीं चीजों की तरफ ही ध्यान रहता है। किंतु जो आत्मज्ञान है, अपने स्वयं को पहचानना, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को जानना, उसके लिए तो हमारे पास अवसर ही नहीं है। और हम हमेशा कटौती भी वही करते हैं कि जहां परमात्मा का हमें सिमरन करना होता है उस जगह हम कटौती कर देते हैं और बाकी हम सारे काम पूरे ही करते हैं। आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। जब हमें इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता तो हमें फिर उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान ही नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीजों के बारे में, आत्मज्ञान स्वरूप के बारे में समझेंगे तभी हम अपने दुखों का भी हल खोज पाएंगे। ऐसे थोड़े से ही लोग होते हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक होते हैं। अच्छी संगति पाकर उन्हें सत्संग करना अच्छा लगता है, अन्यथा सबको तो ये सिर्फ केवल एक भाषण मात्र ही लगता है। और ऐसे व्यक्ति की खोज कर पाना भी कठिन है जो परमात्मा, आत्मा, इनके अलग अलग कार्यों और संबंध के बारे में हमें विस्तार से समझा सके। और इससे भी कठिन ये बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा गुरु खोज पाना जो आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा जिसने लाभ उठाया हो और सभी पक्षों को आत्मा की स्थिति का सही सही हमें ज्ञान करा सकते। किंतु यदि ऐसे कोई किसी भी तरह आत्मा के विषय में समझ लेता है, अगर किसी को स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका ये जीवन भी सफल हो जाता है। अगला श्लोक, देहि नित्यम अवध्योयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अर्थात शरीर का तो वध किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर उपस्थित वो सूक्ष्म आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान बताया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और बहुत सारे उसके प्रिय मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु उससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता होती है। अर्थात युद्ध में जहां धर्म की स्थापना करनी होती है, अगर वहां हिंसा होती है
तो यह भगवान कहते हैं कि यह उचित है, लेकिन अगर बिना किसी कारणवश किसी के हत्या होती है, किसी का वध होता है, तो यह अनुचित है। क्योंकि यहाँ पर भी महाभारत का जो युद्ध है वो भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है, अपनी स्वेच्छा से अर्जुन नहीं कर रहा, इसलिए इसको उचित ठहराया गया है। स्वधर्म पिचावेच्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म या युद्ध युद्धा श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारा अन्य कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए तुम्हें संकोच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में चार वर्णों में द्वितीय वर्ण सबसे उत्तम शासन के लिए बताया गया है और वो है क्षत्रिय। क्षत अर्थात चोट खाया हुआ, और क्षति का अर्थ है जो रक्षा करे, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाता है क्योंकि वो रक्षा प्रदान करने वाला है। क्षत्रिय को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से ही अंत्येष्टि की जाती है। ये सब प्रकार के जो क्षत्रिय को प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि वो युद्ध में शत्रुओं का भी वध कर सके। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धर्म की स्थापना करने की भी अनिवार्य हो जाती है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अहवेशु मिथ्यन्योन्यम जिंगा संतो महिक्षितः युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्ग यान्त्य परांग मुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्म हन्यन्ते सततम् द्विजये संस्कृता किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गम् माप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के उपरांत अवश्य ही उच्च लोक प्राप्त होता है, इसलिए धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करो, हिंसा कार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ही पहुंचेगा। उस राज्य में रहने वाली सभी प्रजा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ ही मिलेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निसंकोच होकर हे अर्जुन तुम युद्ध करो। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। हरे नमः, हरे नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। आज हमने श्लोक श्रवण किए 29, 30 और 31। कल आगे के श्लोक श्रवण करेंगे। जय बापू जी। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही। और दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी ना, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन में